जब हो साथ श्रेष्ठ का तो मिलेगी सपनों की राह। पहलवान गुरदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज BA LLB LLB BSc एग्रीकल्चर BPharma D Pharma BEd DL Ed MA MSc MCOM BA BSc BCOM BBA BCA MCA MBA MSW अफिलियेटेड टू बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी पहलवान गुरदीन ग्रुप ऑफ कॉलेजेस हाईवे से बड़ी नहर रोड पनारी ललितपुर। मध्य प्रदेश में फसल खराब होने के चलते किसान बेहद परेशान हैं और यही वजह से अब बड़ी संख्या में प्रदर्शन हो रहे। अशोकनगर में एक बार फिर से बड़ो प्रदर्शन भाव है। भारतीय किसान संघ के बैनर तले जिले के हजारों किसानों ने 9 सूत्री मांगों के चलते प्रदर्शन करे। उनको कहो है कि अति बारिश से खराब हुई फसलों को जल्द से जल्द सर्वे होवे, मुआवजा होवे और यही वजह से भाव कलेक्ट्रेट को घेराओ। नाराज किसान अपने संगे खराब भय सोयाबीन के पेड़ भी ले आए थे और विरोध स्वरूप कलेक्ट्रेट के मुख्य द्वार पे ही जे सोयाबीन के पेड़ फेंक के अपना विरोध जताओ। ग्रामीण इलाकों से आए किसानों ने खराब हो रही सोयाबीन उड़द की फसलों को सर्वे करावे के संग ही बंद पड़ी कृषि मंडियों को खुलवावे, समर्थन मूल्य पे फसल बिकवावे, नामांतरण की समस्या सुलझावे, बड़े बिजली के बिलों की समस्या को सुलझावे की मांगों समेत तमाम मुद्दों को लेकर अशोकनगर के कलेक्टर को ज्ञापन सौंपे। एक तो महामारी में सबसे ज्यादा दुर्दशा किसान की हुई है, इसके बावजूद यहाँ का प्रशासन कुंभकर्ण रूपी नींद को सोए हुआ है। एक तो मंडी की बहुत भारी समस्या है, मंडी जब किसान को सीजन आता है जब मंडी बंद कर दी जाती है, कहीं व्यापारियों की हड़ताल, कहीं हम्मालों की हड़ताल, कहीं तुलाबटों की हड़ताल। इसके बावजूद पूरे देश में फसल चौपट हो चुकी है, यहाँ के प्रशासन ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया किसानों का सर्वे हो जाए। मेरी बात SDM तमाम प्रशासन से, उन्होंने कहा सर्वे हो रहा है लेकिन सर्वे नहीं हो रहा, और सर्वे होता है तो ये लोग कागज बना के यहीं ले आते हैं और घर बैठ करके जो भी मनमानी अपना परसेंट लिख देते हैं। लेकिन किसान का ऐसे 816 गांव है जिले में, लगभग 800 गांव में तो चौपट है और उसके लिए आगे प्रशासन सुन नहीं रहा था। इसी संबंध में हमने 3-4 मांगे थी, आगे हमारी मांग सरकार पे थी, मुख्यमंत्री से भी थी कि जब आप थे और आपने कहा था मैं 500 रुपये भाव अंतर के दूंगा और भाव अंतर की कह गए आपकी सरकार चली गई, आपने कही भैया मेरी सरकार चली गई। कांग्रेस से हमने बोला, उनने कही भैया उनने कही थी है ही नहीं है। इसके बाद में जब सरकार ने हमको मुआवजा मिलना था, माननीय कमलनाथ जी ने जो हमको मुआवजा दिया था उसका भी उनने किस्त बनाई थी, तो ये किस्त 1200 रुपये किसान को मिल पाई और अब भी कहने लगे भैया हम भी चले गए। ऐसी स्थिति किसान पर कहाँ तक रहेगी? ऐसी सारी बातों को सरकार और प्रशासन को ध्यान में रखते हुए आज हमने थोड़ा सा यह प्रदर्शन किया है। अगर जी नहीं मानेंगे और यहाँ का प्रशासन नहीं सुनेगा, आपने देखा होगा 1.5 घंटे के बाद यहाँ के कलेक्टर महोदय आए और 1.5 घंटे किसान की माताओं बहनों को रोड पर इतनी कली धूप में बैठना पड़ा। कुछ दिन पहले भी किसान कलेक्टर को ज्ञापन देने की मांग को लेकर अड़े थे, इस दौरान के वो अधिकारियों की समझाइश के बाद भी नहीं माने थे, लेकिन आखिरकार गुरुवार को कलेक्टर खुद किसानों को ज्ञापन ले भी मुख्य द्वार पे आ गए। अशोकनगर से आकाश जैन के संगे विश्वास अगरिया बुंदेली पोछार के लाने। बुंदेली पोछार की शानदार खबरों को देखवे के लाने सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन दबाएं, तभी पूरी खबरें आपके पास आ पाएं।